अब देखिए ये हैंड राइटिंग कितना बढ़िया लगता है, इसीलिए हम पोस्ट कर रहे हैं। ये लैटिन इन्फ्लुएंस है या लैटिन बोरोइंग उसको कहते हैं। दीक्षा बेटी की हैंड राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर हम नहीं दे दीजिएगा प्लीज। और फाइव वर्ड्स इन इंग्लिश, वन इज लैटिन और हैज लैटिन इन्फ्लुएंस। हर पांच शब्द में ना एक शब्द लैटिन होता है या लैटिन का प्रभाव होता है। नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। तो हम लोग स्कैंडिनेवियन बहुत सारे है कि लैटिन का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है इंग्लिश में। देखिए कोटेशन देने का तरीका, दो लाइन छोड़ दिया, दो लाइन छोड़ा इधर, इसके इधर ना इधर छः जैसा और इधर जो है नौ जैसा, बारीकी है तब ना नंबर देगा। लैटिन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द 14th century शुरू हुआ। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिनेसांस। लैटिन केम टू इंग्लैंड थ्रू इटली एंड फ्रांस। तो इटली में आया, फ्रांस में आया और उसका प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ गया। इंग्लिश एब्जॉर्ब मेनी वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच। बहुत सारे शब्द इंग्लिश में फ्रेंच से आए। तो प्रोसेस कंटिन्यू इन द केस ऑफ लैटिन। और लैटिन कभी बहुत शब्द इंग्लिश में आ गया। ठीक है, एक आप सेंटेंस जो याद है उनको छोड़ दीजिए। लैटिन वर्ड्स आर मोर डिग्निफाइड देन फ्रेंच वर्ड। अब देखिए क्या है, लैटिन शब्द में डिग्निटी ज़्यादा है। देयरफॉर इंग्लिश फ्रीली टुक वर्ड्स फ्रॉम लैटिन। इसे डिग्निटी ज़्यादा है इसीलिए इंग्लिश ना खूब स्वतंत्र रूप से लैटिन से शब्द लेते थे। ठीक है, लैटिन प्रीफिक्स एड एडी इन्वर्टेड कॉमा अच्छा नहीं होता, साफ साफ लिख दिया। इज सीन इन एडवाइस। एडवाइस में क्या, ये एड जो है लैटिन इन्फ्लुएंस है। एडवेंचर देख रहे हैं। और फिर आप पहला बदल के दीजिएगा, एवरिल हैज बीन लैटिनाइज टू अप्रैल। ये अप्रैल जो है ये लैटिन से है, इसको बदल के हम इंग्लिश में क्या हो गया, अप्रैल हो गया। इस तरह लैटिन का इन्फ्लुएंस है। चलिए हम पेज टू में हम आ गए। पेज टू तो पेजिंग तो हुआ नहीं, क्या होगा, ये क्या हो गया पेज टू, तो सारा पेज टू इसको मुड़े से क्या। यस सॉरी फॉर द डिले, हम पन्ना वन्ना ठीक नहीं किया। हाँ चलिए ठीक है, ठीक हाँ पेज टू है, ये पेज टू है। क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्रेंच या किताब यहाँ पर जाओगे। क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्रेंच एंड सीन इन सम वर्ड। अब देखिए लैटिन वर्ड में फ्रेंच वर्ड में कुछ बहुत मिलता जुलता है। जैसे कलर फ्रेंच है तो लैटिन डिसकलर, डिसकलरेशन हो गया यहाँ पर लैटिन। एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी, मशीन मशीनाइजेशन, मेकेनाइजेशन मशीनाइजेशन। तो लैटिन वर्ड बोले भारी होता है, कुछ भारी भरकम होता है, बोलने में भी कठिन होता है, लेकिन यही लैटिन वर्ड का प्रभाव इंग्लिश में है। इन मॉडर्न साइंस मेनी वर्ड्स ऑफ केमिस्ट्री बॉटनी एंड जुअलॉजी आर फ्रॉम लैटिन। समझे, केमिस्ट्री बॉटनी जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं बहुत सारा तो उनको पता नहीं है कहाँ का लैटिन वर्ड है, लेकिन हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं इसलिए आपको समझना है। इसलिए एग्जाम्पल देखिए, सोलर लैटिन वर्ड है, अल्सर बीमारी मेडिकल का लैटिन वर्ड है, न्यूरॉन लैटिन वर्ड है, लॉबस्टर ये भी जानवर कोई है कोई वो भी लैटिन है, टर्टल कछुआ ये भी लैटिन वर्ड है। सम वर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ हैव लैटिन इन्फ्लुएंस, लेकिन कुछ शब्द जो है साधारण है सिंपल है लेकिन उसको उस पर लैटिन का प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल इमोरल लैटिन का प्रभाव। पेज थ्री में आ गए, पेज थ्री है। फिक्सेशन क्लाइमेटिक सब लैटिन का प्रभाव से ये सब शब्द सब बना है। देयर आर मेनी फॉर्मेशंस इन इज़म, इज़म के भी लैटिन प्रभाव का है। मोस्ट ऑफ दिस वर्ड्स आर वेरी लॉन्ग, लंबे लंबे शब्द हैं, बता चुके हैं लैटिन तो भारी भारी बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल फेवरेटिज्म, इंडिविजुअलिज्म, रियलिज्म, कोलोक्वलिज्म, स्विनबर्निज्म, ये सब क्या है लैटिन का प्रभाव है। मेनी वर्ड्स हैव इस्ट फॉर्मेशन, ये भी लैटिन का प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट, जूरिस्ट, टूरिस्ट, टेररिस्ट, सोशलिस्ट, प्लेजरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, ये सब देख रहे हैं सब सबका लैटिन का प्रभाव है। इधर तो आपको आंसर जब लिखिएगा इस तरह साफ साफ लिखिएगा और इसे खिचड़ी बना देने से नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पर तो बहुत सारा टॉपर हुआ लेकिन ये इलम लिखने के इलम से। अब हमारे पेज फोर में, पेज फोर में जानवर है। यस हम मोड़े इसलिए पढ़ना टेढ़ा लिखे, आपको एग्जाम्पल सीधा लिखना है। लेट अस कंसीडर हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, दोगला, वन पार्ट वर्ड इज लैटिन एंड दी अदर इंग्लिश। एक वर्ड एक हिस्सा शब्द का लैटिन है दूसरा इंग्लिश है। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड इज़म देखिए, विटिज्म, वुमेनाइज, इधर एक इंग्लिश है इधर लैटिन है।
एशियन स्टारवेशन, इधर इंग्लिश है इधर लैटिन। एक्टिव टॉकेटिव, ये लैटिन है ये इंग्लिश है, दोनों उसको कहते हैं हाइब्रिड, दुगला। इन सम लैटिन प्रेपोजिशन, सम लैटिन प्रेपोजिशन आर यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो प्रेपोजिशन लैटिन रहने से कुछ कुछ नया शब्द बनाया गया लैटिन प्रेपोजिशन। जैसे देखिए प्रेपोजिशन क्या है, एक्स है, एक्स किंग पुराना किंग, एक्स हेडमास्टर जो हेडमास्टर हो चुका है, जैसे एक्स प्रोफेसर हम हैं, ठीक है। एक्स एंटी, एंटी टैक्सेशन, यूरोप ये लैटिन है तो ये टैक्सेशन इधर इंग्लिश है, तो ये तो हो रहा है लैटिन प्रेपोजिशन से हुआ। इंटर इंटरनेशनल, इधर लैटिन है इधर इंग्लिश है। फिर देखिए इंटरमिंगल, मिलना, जैसे लैटिन है इधर मिंगल। प्री प्री डार्विन, मतलब डार्विन के पहले, ये लैटिन है ये इंग्लिश है। प्रो पक्ष में, प्रो किंग, किंग के पक्ष में। तो देख रहे हैं लैटिन का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है इंग्लिश में। लैटिन हैज इन्फ्लुएंस इंग्लिश नॉट ओनली इन वोकैबुलरी बट ऑल्सो इन स्टाइल एंड सिंटैक्स। तो शब्द तो प्रभाव किया है लेकिन स्टाइल, लिखने के स्टाइल में भी और शब्द सेंटेंस बनाने में भी लैटिन का प्रभाव है। और ये लास्ट पेज है मेरा। लैटिन ग्रामर वॉज ओनली, लैटिन ग्रामर वॉज द, नहीं लैटिन ग्रामर वॉज दी ओनली ग्रामर टॉट इन दोज डेज। कहे दी बोले पावल है, लैटिन ग्रामर वॉज दी ओनली ग्रामर टॉट इन दोज डेज। इट हैज क्लासिकल सिंटैक्स, क्लासिकल सिंटैक्स होता है एकदम। द एडवांटेज ऑफ लैटिन इन्फ्लुएंस इज दैट इट हैज गिवन मेनी वर्ड्स टू इंग्लिश। एडवांटेज क्या है लैटिन का, बहुत सारा शब्द लैटिन से इंग्लिश में आ गया, इसीलिए इंग्लिश का वोकैबुलरी शब्द कोश है। सब लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा शब्द कोश इंग्लिश भाषा में ही, इतना शब्द और कोई भाषा में नहीं है, क्योंकि सब भाषा से बोरो पैसा लेते गया, बढ़ाते गया, बोरोइंग कर लेते गया, समझ रहे। अब देखिए क्या बहुत अच्छा कोटेशन है। आई ट्रेड विथ बोथ द लिविंग एंड द डेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेज। कहते हम लिविंग जो जिंदा है उसे भी शब्द लेते हैं और डेड पुराने भाषाओं से भी शब्द लेते हैं, काहे ताकि हमारी भाषा इनरिच हो, खूब जबरदस्त शब्दकोश हो, ठीक है। लैटिन इन्फ्लुएंस हैज सम डिसएडवांटेज, अब देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो अच्छे आंसर में क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखना चाहिए। तो लैटिन इन्फ्लुएंस हैज सम डिसएडवांटेज क्या है, इट मेड इंग्लिश ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। लैटिन के कारण ना इंग्लिश भाषा बहुत कठिन हो गई है समझना, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड नहीं लेकिन भारी भारी भरकम वर्ड लगते हैं। मेनी वर्ड विल नेवर बी यूज्ड और अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन, शब्द को समझ ही नहीं पाएगा इतना भारी भरकम सब होता है। और कंक्लूजन लास्ट में क्या देना है, टू सम अप द लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश एज बोथ गुड एंड बैड पॉइंट्स। तो लैटिन का प्रभाव जो है अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। इट इज समथिंग बिटवीन अ हिंड्रेंस एंड हेल्प, तो लैटिन भाषा को कुछ बाधा भी है और कुछ मदद भी है लैटिन भाषा से। दैट्स ऑल, थैंक यू।